और आज मस्जिदों का हाल यही हो रहा है। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीस काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है, जहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पोलोथिंग में बंद करके ले जाता है। अब ये पोलोथिंग में बंद है तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पैक है ना, जब खुलेगा तब पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार है। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत पैक है और बड़ा शानदार लेबल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबल वाला जो प्लॉटिंग है ये फट जाएगा कयामत में, और वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि ओफो ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पोलोथिंग जब फटेगा कयामत में तब समझ में आएगा। टेस्ट करने के लिए जब उसमें आला लगाया जाएगा तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो तुम देख रहे हो कि इतना शानदार पोलोथिंग है और इतनी साफ सुथरी उस पर रीडिंग है और इतना बेहतरीन उसकी पैकिंग है और कितना अच्छा उस पर लेबल लगा हुआ है, तो अंदर में भी कोई हलवाई है। वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है।